केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब युवाओं ने भी सरकार की इस योजना को लेकर खुलकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस योजना से युवाओं में भीषण आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ छल किया है। 4 साल के लिए भर्ती करना युवाओं के भविष्य के साथ ही देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। किसी भी तरह इस योजना से भविष्य नहीं संवरने वाला है। यह तो सिर्फ सरकार द्वारा खर्च बचाने का पैतरा प्रतीत हो रहा है। 2 साल तो कोरोना काल में भर्ती टालती रही और अब इस तरह का मजाक युवाओं के साथ कर दिया गया है। युवाओं ने यहां तक कहा कि अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए अग्निवीर कहलाकर कौन गोली खाएगा। भाजपा से जुड़े युवा तो इस योजना को बेहतर बताते रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल सपा से जुड़े युवाओं ने इस योजना को बेरोजगार युवाओं के लिए भद्दा मजाक करार दे दिया है। सवाल उठाए कि 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी। ये जो अग्निपथ का जो अभी आदेश हुआ है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि लोग चाह रहे हैं कि 21 साल की उम्र में पेंशन मिल जाए। ये जो आया है अग्निपथ का, ये राष्ट्र के हित में है, ना कि 21 साल में ही आपको पेंशन मिल जाए। इसमें आपको नौकरियों में बाध्यता दी जाएगी। माननीय योगी जी ने भी आज ट्वीट किया था, उसमें भी कहा गया है कि आप 4 साल की नौकरी करके आइए, उसमें आपको हर चीज़ में छूट मिलेगी। पुलिस की भर्ती देखते हैं आप, उसमें आपको 25% की छूट मिल रही है। इस तरीके से अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं, आपको हर जगह उसमें छूट मिलेगी। और ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि अब संविदा की भर्ती है 11 महीने की होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट चले। संविदा भी तो 11 महीने की या 4 साल की मिल रही है। इसमें देश की रक्षा के लिए तो है, देश मजबूत होने के लिए है। कुछ लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से ये सरकार सेना भर्ती में नई प्रक्रिया लेके आई है अग्निवीर नाम की, ये प्रक्रिया जो है युवाओं जो हमारे युवा देश के युवा सब तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने की, उनके साथ खिलवाड़ होने का काम ये प्रक्रिया के अंदर किया जा रहा है। जो सरकार कहा करती थी कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां दिया करेंगे, वही सरकार आज बताए कि देश में उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। आज बेरोजगारी का आंकड़ा कहां पहुंच गया है, ये सरकार को सोचना चाहिए। ये हर विभाग का निजीकरण सरकार कर रही है। जो फौज में जनता सोचती थी कि हाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आज वहाँ भी सरकार ने इस प्रकार की ठेका व्यवस्था लागू करने का काम किया है। ठेका नाम देना उचित नहीं होता है, तो उन्होंने अग्निवीर नाम दिया है इसे। ये देश की सुरक्षा के साथ और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसका विश्वासघात युवाओं के साथ किया जा रहा है। जो भारत सरकार ने अभी जो स्कीम TOD की लाई है, ये बेहद ख़राब है और बहुत युवा निराश है। 4 साल, 2-2.5 साल तो कोरोना ने खा लिए और 2.5 साल आप कह रहे हम 4 साल की नौकरी करें, उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा? बिल्कुल ख़राब स्कीम है। सरकार ने सिर्फ अपने जो स्कीम जो पैसा बचाने के लिए ये काम किए हैं और कोई इनका बेनिफिट है ही नहीं इस चीज़ का। TOD हमारे देश की रक्षा के लिए भी ख़राब है। कोई जवान अपने 30,000 या 4 साल के लिए मौत की गोली नहीं खाता, नहीं कोई गोली नहीं खाएगा, कौन खाएगा? 4 साल बाद हमें पता नहीं हम कहाँ होंगे, हम वैसे भी नहीं जाएंगे। और ये सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। और मैं गुजारिश करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि ये स्कीम को वापस लें, हो सकते हैं तो बहुत जल्दी लें, क्योंकि युवा मेरे साथ के काफ़ी लोगों ने फांसी खा ली, उनका रिटर्न एग्ज़ाम 2.5 साल से नहीं हुआ। कितनी बहुत बहुत परेशान है हम लोग सर। थोड़ी सी सुनिए हमारी और फिर से स्कीम वापस ले लीजिए। मैं अगले 4 साल से डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अभी देखा था कि मतलब 4 साल वाली जो भर्ती निकली थी अग्निपथ भर्ती, तो मतलब सरकार ने ऐसा रूल्स लागू किया उसमें, तो जो भर्ती होगी 4 साल तक की होगी। मतलब आज से पहले भी ऐसा कोई रूल्स नहीं निकला, ना ऐसी कोई बातचीत, ना ऐसा कुछ हुआ था। अब निकाली सरकार ने सर 4 साल तक की। अब बच्चा इसलिए परिचित है कि 4 साल में बच्चा करे तो करे क्या, बच्चे को चाहिए सरकारी नौकरी, वो उन्होंने कर दिए प्राइवेट। सबसे पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात, मैं आज से 3 साल पहले ग्रेटर नोएडा गया था भर्ती देखने के लिए, 2020 की बात है ये। तो मैंने CRP का एग्जाम क्लियर करा था, जिसमें मैंने रेस मार दी और मैंने मेडिकल मेरा पास हुआ था। उसका भी कोई ऐसा कोई अभी कुछ दिया नहीं है उसमें एग्जाम के बारे में, ना भी ऐसा कुछ पता है उसमें कि मतलब पेपर होगा भी उसका, नहीं होगा। फिर उससे पहले मैं पिथौरागढ़ गया था भर्ती देखने के लिए, वहाँ भी मैंने रेस क्लियर करी, वहाँ भी मेडिकल हो गया, वहाँ का भी कोई पेपर का कुछ पता नहीं है कि पेपर वहाँ का होगा या नहीं होगा, ये समझो। और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि लोग फांसी खा रहे हैं, कुछ हो रहा है ये, पर इस चीज़ को मैं गलत मानना चाहूँगा कि ऐसा करना गलत है। बस सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि मतलब ये सब कुछ रोक दिया जाए और जो पहले चल रहा था आने वाला समय वही पहले हो जाए फिर से। 3 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और इसी को लेके अभी 3 साल में अभी मैंने कोई भी भर्ती नहीं देखी है।
और अब मेरी जब इसकी भर्ती देखने की उम्र हुई थी तो ये जो सरकार ने अभी अग्निपत्र योजना जो चलाई है इसमें 17.5 से 21 तक ले रहे हैं और मेरी उम्र 22 साल हो गई है तो मैं अब आर्मी की भर्ती तो देख नहीं पाऊँगा और मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ पीलीभीत में रह के रनिंग कर करके बहुत टाइम हो गया आपके टाइम भर्ती देखने सर भर्ती नहीं आ रही 3 साल से लड़के परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मर रहे हैं फांसी लगा रहे हैं घर वाले परेशान हो रहे हैं भर्ती नहीं आ रही और सर ये जो अब सरकार ने 3 साल बाद भर्ती निकाली है अग्निपथ वाली सर इसका क्या फ़ायदा है सर सर 4 साल तक की 4 साल बाद ड्यूटी करो मरो मर जाओ कोई उसका कोई दिक्कत नहीं और फिर